22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण मिला। लेकिन कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बताते हुए निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने नए संसद भवन के उद्घाटन, जीएसटी, G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति की ओर से दिए गए भोज और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का उदाहरण देते हुए कांग्रेस को बहिष्कार करने वाली पार्टी करार दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाने, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गोरक्षक संतों पर गोलियां चलाने, राजीव गांधी के कार्यकाल में कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन करने जैसे उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर सनातन और भारतीय संस्कारों के विरोध का आरोप लगाया। सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया, यानी यह बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो कांग्रेस पर महात्मा गांधी के विचारों को त्यागने का आरोप भी लगा दिया। बीजेपी ने महात्मा गांधी के राम राज्य की परिकल्पना के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा और उस पर महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते को छोड़ने का आरोप बढ़ दिया। बीजेपी के मुताबिक आज की कांग्रेस गांधी की नहीं बल्कि नेहरू की कांग्रेस है, जो राम राज्य का विरोध करती है। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम, और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह कहते हुए भी तंज कसा कि इकबाल अंसारी से लेकर कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों के लिए इससे किनारा कर लिया। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया, बताइए वो आने को तैयार है जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम, इस कहावत के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस की जन स्वीकारिता के साथ अब प्रतिष्ठा खत्म होने का दावा भी कर दिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस की दूरी को हिंदू विरोध से जोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे को आगामी लोकसभा चुनावों से जोड़ते हुए कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी तक कर दी। कांग्रेस ने जब जब सनातन को कुचलने की आवाज उठाई, जब जब हिंदू का अपमान किया और जब जब भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री और बिहार के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने और हिंदू विरोधियों का साथ देने का आरोप लगाया। एंटी हिंदू नहीं होते तो कोर्ट में क्यों लटकाते भटकाते, ये एंटी हिंदू नहीं होते तो क्यों प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आने से कांग्रेसियों ने अपने को वंचित रखा, ये सीधा है कि ये एंटी हिंदू है। यही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों से भी कांग्रेस विरोध में आवाजें उठने लगी। यूपी से लेकर बिहार और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए इसे रामद्रोही बताया। निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है, और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। पटना में मौजूद रविशंकर प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने से कांग्रेस के इनकार करने को लोकसभा चुनावों से जोड़ते हुए कहा कि उसकी हार निश्चित है। कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहां होगा ये लोकसभा में, और आगे चुनाव होगा तो इनका सुपड़ा साफ होगा।
यही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने को भारत की पहचान को अस्वीकार करना बताया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है, और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। बीजेपी की रामनीति में कांग्रेस बुरी तरह उलझ गई और प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। जिसका एहसास आला कमान को भरसक ना हो, लेकिन कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं को जरूर है, जिन्होंने ना सिर्फ इस फैसले पर आपत्ति जताई बल्कि कुछ नेताओं ने तो पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया। जिनमें शामिल हैं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा। रत्नेश मिश्रा ने ये कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया कि जो पार्टी राम से दूरी बना ले उस पार्टी से दूरी बना लेना ही उचित है। आज मेरे समक्ष ये प्रश्न है कि मैं राम और राजनीति में किसे चुनूं, तो मैं राम को चुनूंगा और मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस के दायित्वों से त्याग पत्र देता हूं। और अभी अयोध्या पहुंचकर मैं प्रभु सियाराम से इस बात की माफी मांगूंगा कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहा। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर अपनी ही पार्टी को लताड़ लगाई। कांग्रेस राम विरोधी नहीं है, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है, ये बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा